great. Welcome to Mamta Ma'am's class. First of all, you have to mark your attendance. Yes, I think you know how to mark the attendance, na? In last video, I taught you, na? Yes? Everybody, take out your sticks like this or your favorite toy and mark your attendance like this. Good morning, teacher. My name is. जो आपका नेम होगा अपना नेम बोलेंगे. Then after, I study in nursery class. I'm present today. And my favorite fruit is an apple. I hope आपको attendance mark करना आ गया है. Very good. So in today's class, I will teach you what. Think about it. आज ममता मैम आपको क्या करवाने के लिए आई है? अरे नहीं, टू लेटर वर्ड्स नहीं करवाऊंगी आज मैं. आज मैम आपको एक राइम करवाएंगी. डू यू वॉन्ट टू लर्न विद मी? यस, वेरी गुड. सो टूडेज राइम इज बेस्ड ऑन क्लीनलीनेस. इन लास्ट सुमिता मैम्स वीडियो आपने एक जो मैम ने राइम करवाई थी क्लीन फैमिली, वो भी क्लीनलीनेस पर ही बेस्ड थी ना. तो जो आज ममता मैम आपको राइम करवाएंगी वो भी आपकी क्लीनलीनेस पर ही बेस्ड है. ओके, और इस राइम में हम ये लर्न करेंगे कि हाउ टू कीप आवरसेल्फ क्लीन. हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए क्या क्या करते हैं? यस, टेल मी, क्या क्या करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए? थिंक अबाउट इट. यस, टेल मी. ब्रश योर टीथ, ब्रश करते हैं? यस. और क्या करते हैं? ब्रश योर हेयर. यस. और क्या करते हैं? हाँ, वॉश योर हैंड्स, वॉश करते हैं अपने हैंड्स को. यस. हाँ, और क्या करते हैं? वॉश योर फीट, अपने पैरों को वॉश करते हैं ना. हाँ, ओके. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू टेक ब्रश इन द डे. हाउ मेनी टाइम्स? At least two times, once in the morning and once at night. Yes. और आपको मालूम है ऐसे आप अपनी क्लीन हैबिट्स को फॉलो करने से क्या होता है? क्लीन हैबिट्स को फॉलो करने से आप हेल्दी और आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं. ओके, तो आपको एक गुड बेबी बनने के लिए, एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बेबी बनने के लिए आपको अपनी क्लीन हैबिट्स को फॉलो करना होगा. ओके, तो आज मैम जो आपको राइम करवाएंगी वो आपकी इन्हीं हैबिट्स के ऊपर ही बेस्ड है. तो यू ऑल आर रेडी फॉर द राइम? यस. नाउ स्टैंड अप एवरीबॉडी एंड यू हैव टू फॉलो माय एक्शंस. ओके, एंड स्पीक आफ्टर मी. लिसन टू मैम केयरफुली. ओके, नाउ स्टैंड अप. यस, शैल आई स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करेंगे. Brush your hair. Speak everybody. Brush your hair and brush your teeth. Huh? Very good, very good. Speak after me. Brush your hair and brush your teeth. Huh? Soap your hands and wash your feet. Soap your hands and wash your feet. Once in the morning and once at night. Once in the morning and once at night. You will be healthy and bright. You will be healthy and bright. तो देखा आपने कितनी अच्छी राइम थी. इस राइम के हेल्प से आपने क्या कुछ लर्न किया? यस, आपने अपने गुड हैबिट्स को लर्न किया कि आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए क्या क्या करना है. यस, क्या करना है आपको? ब्रश योर टीथ, अपने टीथ ब्रश करने हैं एटलीस्ट टू टाइम्स, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द नाइट. और क्या करना है आपको? अपने हेयर्स को भी ब्रश करना है.
मीन्स आपको कॉम्ब करनी है अच्छे से और क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ सोप, यस। और इसके साथ साथ अपने आपको अपने फीट भी, अपने पैर भी आपको क्लीन करने हैं, ओके। एंड ये कितनी बार करना है, मैम ने अभी आपको बताया था एटलीस्ट टू टाइम्स, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट द नाइट। और ऐसा करने से क्या होगा, यस टेल मी क्या होगा, अगर आप ये क्लीन हैबिट्स को फॉलो करेंगे अपनी डेली लाइफ में तो क्या होगा, यू विल बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और आप इतने हेल्दी बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ओके। आई होप आप ये मैम ने जो क्लीन हैबिट्स आपको बताई हैं, आप इसको डेली रूटीन में इसको यूज करेंगे और क्या होंगे, और एक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बेबी बन जाएंगे, ओके।